गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की, जिसके बारे में आप हर पल सोचते रहते हैं, वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है, आपको लेकर इस रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट्स हैं। भले आप दोनों बीच में काफी समय से कोई हमेशा एक नो कॉन्टेक्ट चलता आ रहा है, बार बार रिलेशनशिप में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ऑन एंड ऑफ कंडीशन का, तो देखते हैं क्या ये पैटर्न आगे भी ऐसा रिपीट चलता रहेगा, क्या आपके इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, ये आपके पार्टनर कभी आपके लिए स्टैंड लेंगे, जितने कार्ड्स में निकल के आता है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 111 लिखना मत भूलिएगा, और ध्यान रखिएगा ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं, किसी भी जेंडर का इंसान इसको रीडिंग को देख सकता है, और ये टाइमलेस रीडिंग रहती है कि जब भी आप रीडिंग तक पहुंचते तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, ध्यान रखिएगा यदि आप एक छोटे से एक सूचना है आपके लिए, यदि आप हमारे साथ जिस तरीके से हम रीडिंग करते हैं, आप भी हमारे तरह टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि टैरो रीडिंग का कोर्स कराती है, और इस रीडिंग के थ्रू आप सीखकर इवन मैं करूँ एन नंबर में आप अर्निंग कर सकते हैं, आप कोई जॉब कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स हैं इनमें आप जॉब कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज करिए, स्पेशली मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। डायरेक्टली मुझे मैसेज करना है, नंबर है मेरा 9540046626। ठीक है, जब तक मैं कार्ड्स को सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, आपका 8 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी काफी मिक्स एनर्जी से हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, जैसे होता है ना कि इंसान एक पल में तो आपका हो जाता है, एक पल में पराया हो जाता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन कहने का दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के समय। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान गिल्ट की एनर्जी बहुत जल्दी आता है, जैसे कहता ना कि इसे अपने किए पे पछतावा बहुत जल्दी होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की, कभी भी क्लैरिटी नहीं देते हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड निकला है, मन में बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठे हैं, ये अपने मन की बातें जल्दी से किसी को बताएंगे नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट आदमी है, जिसे कहते हैं कि आपके सारे भेद जान लेना, अपने मन के कुछ भेद ना देना, कुछ इस तरह का इंसान है ये। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि सेल्फ हील भी करते रहते हैं अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि गलती करके अपने आप को रियलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन आपके सामने सॉरी फील नहीं करेंगे, ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं। 2 ऑफ पैंट्स का, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग भी चलती है इनकी, इनके मन में जब भी आपसे डिटैचमेंट होता है ना, तभी इनके दिमाग में आपके लिए ओवर थिंकिंग चलने स्टार्ट होती है कि रिश्ता खत्म ना हो जाए। जो एक फियर आपके अंदर है अपने पार्टनर खोने का, वो एक सेम फियर इनके अंदर भी, बस फर्क इतना है ये इंसान आपको वो चीज शो नहीं करता और आप शो कर देते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अभी रिसेंट में देखा जाए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहने का इसका या तो पैसा के मार्केट में स्टक है या वहां से रिकवरी नहीं हो पा रही है। कार्ड निकला अगला मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाई देता है कि इस समय इसकी खुद के दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, क्योंकि अगर ये दिल की सोचता है तो कहने के अपने करियर से पीछे हटता है, अगर दिमाग से सोचता है तो आपसे पीछे हट रहा है, क्योंकि दोनों को इकट्ठा बैलेंस नहीं कर पा रहा है इस समय ये। अगला है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो कि दिखाता है कि इसके अंदर आपके करेज तो बहुत है, आपके लिए रिलेशनशिप में आना भी चाहता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ इसके सामने इस तरह की आ रही है, इस समय आपसे डिटैच है ये, हो सकता है दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो किस चीज को लेकर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, आप इस इंसान को समझाने या मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत चेजिंग एनर्जी आपकी यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान आपको इसने ब्लॉक भी कर दिया हो, या काफी समय से आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, आप जिस भी नंबर से कॉल करते हैं वो नंबर ब्लॉक कर रहे हैं इस समय ये। लास्ट कार्ड में निकला है 2 ऑफ कप्स का, जो कि शो करता है प्यार बहुत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया है तो आई वुड से नहीं, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। चलिए मैं कार्ड से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, थोड़ा आपको सनशाइन मिला, सनशाइन इसमें जो मेन प्रोमिनेंट है आपके पाइसेस, जेमिनी, वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, और आपका सेगडेरियस है आपका, और जो आपका जेमिनी, हाँ जब टॉरस है, एरीज है, लिब्रा है, हाँ ये मेन है आपके, इसमें जो सनशाइन मैंने बताए हैं
ये मेन इसमें प्रोमिनेंट है। इसमें अगर आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करी जाए तो फर्स्ट कार्ड में पे निकला है पेज ऑफ कप्स का, साथ में नाइन ऑफ स्वॉर्ड, जो क्लियरली शो करता है आपके पार्टनर ने इस समय काफी गिल्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। गिल्ट किस चीज को लेके हो सकता है इसने आपके साथ कुछ मिसबिहेव करा हो, या कहीं इसको आपका स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पे स्टैंड इसने आपके लिए नहीं लिया है, और ये गिल्ट ऑब्वियस बात है आपसे ही रिलेटेड है, और ये इंसान जानते हैं उस गिल्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में कार्ड यहाँ पे मेरे पास नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी निकला, जो कि दिखाता है उस गिल्ट में, जैसे कहते हैं ना इंसान, उसको पता है गलती है उसकी, लेकिन आपके सामने आकर उस गलती का ना रियलाइजेशन करना, कोई चीज इसे रोक रही है आपसे वो गिल्ट की एनर्जी को शो करने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए कोई चीज है जो कि इसे रोक रही है। हो सकता है कोई फैमिली का प्रेशर हो सकता है, क्योंकि इनकी फैमिली में भी इनके खिलाफ कई सारे लोग हैं, जिस इसमें जानते हैं कंडीशन क्या है कि ना तो आप साथ दे रहे हो, क्योंकि आप इसे हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि इसके सामने सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपके सामने अपने आपको ये कन्फेस नहीं कर पाता, अपनी गलती का वो चीज बता ही नहीं पाता ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन पीछे देखा जाए तो इनके फैमिली का प्रेशर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, और कहीं ना कहीं फैमिली मैटर में भी यहाँ पे एलजीबी दिखाई दे रहा है, हो सकता है। और जानते हैं इनका अटैचमेंट अपनी मदर से नहीं तो अपने सिस्टर से ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हो, वो दो लेडी ऐसी है जो कि आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट कर रही है, वो एक गैप हो सकता है इन दोनों की वजह से। लेकिन अभी देखा जाए तो आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत अनस्टेबिलिटी है, खास रूप से देखा जाए तो मैंने कहा था आपको सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, साथ में आपका है कार्ड ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो ये दिखाता है अभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, हो सकता है इनका कहीं पैसा अटका पड़ा है, और कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं अपने करियर पर फोकस करने के लिए, और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों ज्यादा बड़े नहीं हो, एज छोटी ही है अभी अराउंड 24 के आसपास हो सकती है, जहां पे आपके पार्टनर को अपना करियर बिल्डअप करना है, और ये इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है तो अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से इसके घर वाले इसको रोक रहे हैं या इसको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर वालों को ऐसा लगता है कि जब तक ये आपके साथ रहेंगे तब तक ये अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इसने आपको ब्लॉक भी कर दिया, और वो ध्यान रखिए ब्लॉक करा नहीं है, ब्लॉक करवाया गया, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ये भी प्रेशर में करके कराई गई चीजें। और साथ में कार्ड निकला है मेरे पास फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का, अगर बात करूं अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है ना अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, इनकी फैमिली को लगता है कि आपसे बात ना करवाकर आपसे दूर कर गए इसका फोकस अपने काम पर रह जाएगा, तो नहीं, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है जो क्लियरली शो करता है ये जितना आपसे दूर जाएंगे ना, आपसे जितना फोर्सफुली दूर कराया जाएगा ना, उतना ही आपको ये याद करेंगे, उतना ही आपको मिस करेंगे, और करंटली एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बाद भी आपको हर पल दिमाग में रखते हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में हर पल सोचते रहना, कहीं ना कहीं मुझे ये वाली फीलिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है टू ऑफ पेंटिकल्स का, ये इंसान बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहता है, उसको इसका मन वहां पर लग नहीं रहा जिस काम में इसको जहां पर लगा हुआ है अपने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ करने में, क्योंकि इसके हाथ से कहने के आपका हाथ छूट रहा है और वो इस चीज करना नहीं चाहता है, ये फोर्सफुली चीजें कराई जा रही है इसको, और बहुत जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत कंफ्यूजिंग की एनर्जी, इसको करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा है इसके ऊपर कि ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है। हो सकता है कुछ इसने आपको मिसबिहेव करा, हो सकता है इसने आपको कुछ गलत शब्द बोल दिया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया, और वो गलत शब्द जो बोला है ना वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से ही बोला इसने, क्योंकि मैंने बोला कि आपके पार्टनर का अटैचमेंट अपनी मदर या अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा, उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अभी देखा जाए तो कार्ड निकला है एट ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, ये कुछ समय के लिए आपसे डिटैच रहेंगे, अभी एकदम से नहीं आपको आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, अराउंड एक से डेढ़ महीना समय लग सकता है दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होने में, लेकिन इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा है। कहने ये भी चीज दिखाई देखो यहाँ पे कार्ड निकला है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, ये इंसान आगे तो जा रहा है लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं कि इसके हाथ से क्या चीज छूट रही है, जो कि ये आपसे प्यार बहुत करता है, कहने की आपका साथ लेकर आगे चलना चाहता है, लेकिन इसकी फैमिली कहने की सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इसका आपसे हाथ छोटा, और कहने की इसको जानते हैं इस समय क्या लग रहा है कि मेरे सब दुश्मन है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, अगर वो आपके बारे में सोचे तो आप भी ऐसे रिएक्ट करते हो उसके सामने, आप हमेशा अपनी बातें करते हो, तू मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तू मेरे साथ वैसे कर रहा है, तू मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तेरे पहले वादे ये थे अब तू वादे नहीं निभा रहा, तो वो जानना वो चाहते उसके मन में क्या रहा है कि कोई भी मेरे अंदर की फीलिंग नहीं समझ पा रहा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मुझे फोर्सफुली कराया जा रहा है या अपने इंटेंशनली कर रहा हूं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपने प्यार से मतलब है कि मैं आपको प्यार क्यों नहीं दे रहा हूं,
लेकिन करंटली देखा जाए तो उसके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम्स आप नहीं समझ पा रहे हो। तो इसलिए हो सकता है कि आपसे भी डिटैच हो रहा हो कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे समझ पाए, जो मुझे प्यार दे पाए या मुझे कोई अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होती जा रही है। वो ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले रही है। आपको चीज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जानते जितना आप उसके उसके वो प्रेशर डालोगे ना उससे बात करने के लिए या उसके वो प्रेशर डालोगे प्यार लेने के लिए, वो इंसान आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं इंसान जिसके कहते अंदर अंदर टूटता जा रहा है, क्योंकि उसके ऐसा लग रहा है ना तो मेरी फैमिली साथ है इस समय, ना ही आपका साथ उसे मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत लोनलीनेस कहीं फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कार्ड भी यहाँ पे निकला, यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है कि वो इंसान ऐसे दोहराए पर फंस चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे ध्यान दिया जाए। अपनी फैमिली की तरफ जाता है तो आप छूटते हो, आपके ध्यान देते हो फैमिली छूटती है। तो फैमिली जैसे कहते हैं ना कि मेलो ड्रामा होता है कि हाँ भाई या वो या मैं, चूज कर लीजिए कैसे चूज करना है। तो ये ऐसे ही कश्मकश में कहेंगे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सी बातें हैं जो ये इंसान सप्रेस करके बैठा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड निकला है, ये बहुत सी बातें आपको बोलना चाहता है, बहुत सी बातें जो उसके मन में जो आपके सामने कन्फेस करना चाहता है, लेकिन अभी सिचुएशन वो नहीं है जो आपसे बोले, क्योंकि आपका नेचर भी इसके साथ थोड़ा सा रूट होता जा रहा है। दोनों के बीच में काफी क्लैशेस होते हैं, दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट जोन काफी टाइम चलता आ रहा है। सिर्फ इसी वजह से ऐसा नहीं है कि इंसान आपके बारे में सोचता नहीं, ये इंसान जानते हैं रात रात को आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करता है। अगर इसने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये मिडनाइट में आपको अनब्लॉक करेगा, फिर देखेगा आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके स्टेटस देखेगा, आपके डीपीज देखेगा कि आप कैसे होते जा रहे हो, कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कि आप उसको याद करते भी नहीं करते होते ना। कि लोग आजकल तो बहुत सोर्सेज बन गए हैं आपके बारे में जानने की, आप करंटली क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आपके ऑनलाइन हुए नहीं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। वो सारे सोर्सेज कहने का ही जाता है, जहां वहां देखता है कि आप रात में ऑनलाइन तो नहीं हो, आप रात को किसी से बात तो नहीं कर रहे हो। कहने की ये चीज दिमाग में फियर की एनर्जी है इसके, कि कहीं आप किसी और से अटैच ना हो जाओ। तो ये चीज दिमाग में बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपके सामने बातें कन्फेस तो करना चाहता है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कन्फेस ऑल दीज थिंग्स। जिसकी वजह से इसने अभी अपने आपको पेशेंस में रखा हुआ है कि हाँ मुझे अभी बात नहीं करनी, अपने फिलहाल के अपने करियर पर फोकस करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। माना कि इसका मन है आपके साथ चलने के, लेकिन अभी इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे कर रहा है। लेकिन देखा जाए अगर इसकी फीलिंग, करंट फीलिंग की बात करूं, कार्ड निकला है फोर ऑफ थॉट्स, जो कि शो करता है कि सेल्फ हील करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको पता है स्ट्रेस एंजाइटी के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, अगर आपको अप्रोच भी करेगा तो भी बात नहीं हो पाएगी। और खासतौर से पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मेन मुझे जो पंगा लग रहा है यहाँ पे, जो मेन इश्यू दिखाई दे रहा है वो आपके पार्टनर के पेरेंट्स का ही दिखाई दे रहा है, जो कि उसको आपसे दूर कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो, कुछ ना कुछ इसके घर वाले ऐसे कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपको भूल पाए, आपसे डिटैच हो पाए। वो चीज कहने के आपके आपके सामने वो चीज दिखाई भी दे रही है आपको, कि आपके पार्टनर से डिटैच होते जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कार्ड देखो यहाँ पर टू ऑफ कप्स का निकला है, जो कि दिखाता है कहते नहीं इंसान आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में हर पल आपको याद करना, वो चीज इसके मन में कहने का ही है। ये अलग बात है आपको अभी अप्रोच नहीं करना, बट अप्रोच ना करना इट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। आपका रिलेशन बहुत समय से चल रहा था और ये रिलेशन खत्म नहीं हुआ, अभी रिलेशनशिप बहुत आगे तक और जाएगा, इसकी लाइफ बहुत लंबी है अभी। लेकिन इसके लाइफ में जानते हैं इस समय ये इस मोड़ पर आ चुका है जहां पे ना तो इसके परिवार वाले साथ हैं, ना इसके कोई कुलीग्स साथ हैं, जिसके जो जिन्हें जो इसे सहारा दे रहे थे वो भी साथ नहीं है। और कहने की आपका साथ भी छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से होता है ना कि ये सोच रहे कि मैंने इस रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट किया था, कितना आप पर भरोसा करा था, कितना आपका सपोर्ट दिया था कि हाँ आप ऐसे टाइम पे इसका सपोर्ट करोगे ऐसे मोमेंट पे। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक कमिटमेंट, एक शादी, सिर्फ यही चलता आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत डिसअपॉइंट है इस समय अपनी फैमिली से भी और साथ में आपसे भी। ये एक मोमेंट लड़के की जिंदगी में ऐसा आता है जहां पे इंसान को किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन वहां पे आज डेट में बिल्कुल अकेला खड़ा है, बिल्कुल लोनलीनेस में खड़ा है। लेकिन देखा जाए तो इसके मन में आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा, फिर बोल रहा हूँ मैंने कहा ना देखो यहाँ पे इसका ब्रेन वॉश किया कार्ड, देखो यहाँ पे निकला है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि शो करता है कि इसके ना ब्रेन को इस तरीके से बांध दिया गया है, ये आपके थॉट्स को लाएगा ही नहीं मन में अपने। और इस समय देखा जाए इसका दिल और दिमाग की भी लड़ाई चल रही है कि इसको क्या करना चाहिए, तुम्हारी तरफ जाना चाहिए, फैमिली तरफ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा कश्मकश में फंसा पड़ा है। लेकिन देखा जाए तो इसके घर वालों ने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से कुछ चीज ऐसी करी गई है कि इंसान आपसे धीरे धीरे डिटैच हो रहा है, और डिटैच इस लेवल पर किया जा रहा है इसको कि जिसे कहते हैं ना कि इंसान ये इस समय अपने शुद्ध में है ही नहीं, ये अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रहा है, इसलिए हिज जस्ट रिएक्टिंग लाइक इन पपेट। ऐसा होता है ना कि यहाँ भी जिसके कोई जो इसी के ऊपर कुछ करवा रहा है, जो इसको ब्रेन वॉश कर रहा है, जो वो बोलेगा सिर्फ ये वही करेगा,
यानी कि इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है और मुझे कहीं पता नहीं कैसा लग रहा है कि आपके और इनके आपके रिलेशन और इनके फैमिली वालों का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। आप इनकी फैमिली हो सकता है आपको ज्यादा लाइक नहीं कर सकती करती है और हो सकता है दोनों के बीच में कास्ट या कोई स्टेटस में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स भी आपसे इनको दूर कर रहे हैं। कार्ड निकला है यहाँ पे आपका नाइन ऑफ पैंट्स का जो कि शो करता है देखो आप अगर गिव अप करते हो ना तो अगला स्टेप आपका सक्सेस का है, आप सक्सेस के बहुत नजदीक। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा समय के लिए वेट कर लो, थोड़ा यहाँ पेशेंस रख लो, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है। ये इंसान आपको अप्रोच हर हाल में करेगा, आपको यहाँ पे पीछे नहीं हटना है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारी चीजें सोच के बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपके सामने क्लियर करेंगे उन्होंने ऐसा क्यों करा। लेकिन प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, कुछ समय के लिए रुक जाओ, बात करो कब तक अराउंड मैं आपको बोलूंगा। यहाँ पे 8 और 9 वीक्स का टाइम पीरियड है, 8 या 9 हफ्ते का टाइम पीरियड जो कि दिखाता है कि 8 या 9 हफ्ते के अंदर अंदर अप्रोक्स मान लो 2 महीने 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ये इंसान आपको अप्रोच भी करेगा, आपके सामने क्लियरिटी भी देगा वैसे क्यों कर रहा था। बस यहां से आपको गिव अप नहीं करना है, बस ये इंसान आपको खुद जाके अप्रोच करने वाला है। देखा ना 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप इसे अप्रोच करे जा रहे हो बार बार। आपको अप्रोच नहीं करना है, इसको अपनी जिंदगी पर जीने दो, इसको थोड़ा सा अंदर क्रेविंग तो आने दो इसके अंदर कि आपसे दूर रहकर कैसा फील होता है, इसको वो चीज आने दो। और वो चीज आती भी दिखाई भी दे रही है, आपको अप्रोच नहीं करना है, कोई कॉल मैसेज सोशल मीडिया स्टॉकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट जोन में है उस इंसान के अंदर आपके लिए क्रेविंग पैदा होने दो, उस इंसान के अंदर आपके लिए एक डिजायर पैदा होता है कि हाँ मुझे इससे बात करनी, जब वो डिजायर आपके सामने खुद उठ कर आएगी ना तो रिलेशनशिप को फील करने का मजा ही अलग होगा। और इंसान देखो कार्ड पे कार्ड निकले 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकले जो कि दिखाता है सोलमेट चढ़ने को दिखाता है। आप दोनों के बीच में भले कोई मर्जी क्यों ना आ जाए आप दोनों किसी भी हाल में अलग नहीं होंगे, किसी ना किसी मोड पे आप मिलते रहो, जानते हैं आपको यूनिवर्स ने मिलाया तो दोबारा यूनिवर्स ही दोबारा से आपको मिलाएगा। ट्रस्ट मी ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो, आप दोनों किसी भी हाल में अलग नहीं हो सकते। खास तौर से अगर कोई भी इंसान आपको अलग करने की कोशिश करेगा ना वो उल्टा ही मौके मिल जाएगा, लेकिन आप दोनों को डिटैच नहीं कर पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम जरूर कीजिएगा नीचे 111 लिखकर, और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।